नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कोरोना संक्रमण के खिलाफ भारत की लड़ाई और मजबूत होने वाली है। देश को जल्द ही तीसरी वैक्सीन मिल सकती है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को आपात इस्तेमाल की सिफारिश को लेकर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की आज बैठक होने वाली है। आज SEC आपात इस्तेमाल की सिफारिश कर देती है तो अंतिम मंजूरी के लिए इस देश के दवा महानियंत्रक DCGI VG सोमानी के पास भेजा जाएगा। वह इसके इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत देंगे। भारत में इस वैक्सीन का निर्माण डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज कर रही है। उसने थर्ड फेज के ट्रायल के डेटा पहले ही जमा कर दिए हैं। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक व तीसरे चरण के ट्रायल में 91.6% असरदार साबित हुई है। बता दें कि देश में कोरोना टीकाकरण जारी है। अब तक कोरोना टीके की 6.30 करोड़ डोज दी जा चुकी है। टीकाकरण के लिए 2 टीके इस्तेमाल हो रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक्स्ट्राजेनिका द्वारा विकसित वैक्सीन को भारत में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड के नाम से तैयार किया है। वहीं दूसरे टीका पूरी तरह से स्वदेशी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। देश में 16 जनवरी को टीकाकरण का शुरू हुआ था। पहले स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका लगाया गया। इसके बाद 60 साल से ऊपर और गंभीर बीमारी वाले 45 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण हुआ। अब 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीका लगने लगेंगे। देश में 7 और कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने मंगलवार को जानकारी दी कि देश में 7 और कोरोना वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली हार्ट एवं लंग इंस्टीट्यूट में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली है। उन्होंने आगे बताया कि 7 में कुछ टीके ट्रायल एडवांस स्टेज में हैं और 2 दर्जन से अधिक वैक्सीन अभी प्री क्लिनिकल ट्रायल स्टेज में है। बिसंडा क्षेत्र से वार्ड नंबर 28 बल्लू प्रजापति की ओर से सभी देशवासी एवं क्षेत्रवासियों को होली एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं।